आज एसी सीखने का तीसरा दिन है। पीछे वाली वीडियो हम लोग ये सीखे थे कि जो मैकेनिकल सिस्टम होता है, मतलब कि हमारा जो एयर कंडीशनर का मैकेनिकल सिस्टम आता है, और मैकेनिकल सिस्टम के अंतर्गत जो कुछ भी पाइपें होती हैं, वो पाइपें क्या काम करती हैं, मतलब उसमें जो पार्ट होते हैं वो पार्ट क्या काम करते हैं, उनके नाम क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके थे। और आज ये तीसरे दिन में आज हम लोग सीखेंगे कि हम अपने मैकेनिकल सिस्टम, मतलब हम अपने एसी में, विंडो एसी में किस तरीके से गैस चार्ज करेंगे, विंडो एसी में किस तरीके से गैस चार्ज किया जाता है, क्या ऐसे ही गैस चार्ज कर दिया जाता है बाटल लगा के, या फिर उससे कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ प्रक्रियाएँ होती है। तो चलिए आज हम लोग उसको सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, गैस चार्ज करने की जो प्रक्रियाएं होती है ना, जो प्रोसेस होता है वो पांच होता है। मतलब ये है कि एक जो आपकी प्रक्रिया रहेगी, ये फ्लेक्सिंग करना, सबसे पहले आपको पाइपों को फ्लक्स करना होगा, फिर उसके बाद कंप्रेसर का प्रेशर तथा पूरे सिस्टम का लीकेज चेक करना होगा, फिर उसके बाद आपको तीसरे स्टेप पे करना होगा वैक्यूम, मतलब कि इसके अंदर जितनी भी हवा है बाहरी, उन सारी हवाओं को बाहर निकालना होगा, फिर उसके बाद गैस चार्ज करना, मतलब इसमें गैस चढ़ाना, मतलब गैस भरना पाइपों में, फिर आगे गैस, मतलब गैस वाली पाइप को पिंच करना होगा, मतलब पाँचवा जो है वो पिंच करना, मतलब जो गैस जिधर से डाले रहेंगे उस लाइन को बंद करना। ये पाँच प्रक्रियाएँ होती हैं हमारे एसी में गैस चार्ज करने। ये सिर्फ एसी का ही नहीं, अपने एसी में, फ्रिज में, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, जितने भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, मतलब ठंडा करने वाली जितनी भी मशीन है, सब में इन्हीं पांचों प्रक्रियाओं के साथ आपको गैस चार्ज करना होता है, तब जाके आपकी जो गैस चार्जिंग है ये परफेक्ट होती है। लेकिन इसमें भी कई चीज़ों को हटाया जाता है, और ये ज़रूरी भी है, और अगर सबको ले कर चलेंगे तो आपकी जो गैस चार्जिंग होगी 3 घंटा 4 घंटे में होगी, और अगर एक्सपीरियंस के तरीके से चलेंगे तो आपकी जो गैस चार्जिंग होगी वो 1 घंटे आधे घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे में मैक्स ये हो जाएगा आपका क्लियर, और वो अच्छी तरीके से काम करेगा। तो मैं उसमें क्या क्या चीज़ आपको हटाना है और किन किन चीज़ों को आपको यूज़ में लाना है इसको बताता हूँ, और आपको स्टार्टिंग से किस तरीके से हम अपने विंडो एसी में गैस चार्ज करेंगे ये चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है, सबसे पहला हमारा जो आता है गैस चार्ज करने में, जो प्रक्रिया आती है वो आती है फ्लेक्सिंग करना। फ्लेक्सिंग का मतलब होता है पाइपों की सफाई करना। यहीं पे नए टेक्नीशियन फंस जाते हैं। वो कैसे, वो उनके माइंड में ये होता है, या फिर कोई भी आदमी रहे अगर वो एक्सपीरियंस नहीं किया है, काम नहीं किया है इस चीज़ पे, तो वो यही सोचेगा कि यार फ्लेक्सिंग करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि अंदर की पाइपों अगर कोई कचरा वगैरह रहेगा तो साफ़ हो जाएगा, फ्लेक्सिंग से बड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको फ्लेक्सिंग नहीं करनी है। देखिए, अगर आपके पास नाइट्रोजन है, अवेलेबल नाइट्रोजन है, तो आप उस नाइट्रोजन, मतलब ड्राई नाइट्रोजन का यूज कर सकते हैं फ्लेक्सिंग के लिए, और फ्लेक्सिंग मारना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन नाइट्रोजन से, एयर से नहीं, उससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। इसलिए अगर आपके पास नाइट्रोजन है तो आप नाइट्रोजन से फ्लेक्सिंग करिए, और अगर आपके पास नाइट्रोजन नहीं है तो आपको फ्लेक्सिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, जितने भी टेक्नीशियन फील्ड में काम करते हैं उसमें 95% टेक्नीशियन के पास नाइट्रोजन नहीं होता है। क्या होता है, सिर्फ एयर से वो सब फ्लेक्स करते हैं, एयर से फ्लेक्सिंग करते हैं, जबकि ये चीज़ गलत है। एयर से फ्लेक्सिंग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए, सबके माइंड में ये होता है कि यार पाइपों में कचरे होंगे, बट मैं आपको बता दूं कि आप अगर 200-300 एसीयों को रिपेयर करेंगे ना, उसमें से सिर्फ आपको 1 या 2 एसी ऐसी मिलेगी जिनकी पाइपें कचरे की वजह से जाम हुई होंगी। ज़्यादातर इस एसी में लीकेज का फॉल्ट आता है और चोकिंग का आता है, लेकिन लीकेज का फॉल्ट 90% आता है, ये ध्यान रहे। लीकेज गैस जो इसमें चोक जल्दी नहीं होती है, वो इसलिए नहीं होती क्योंकि इसमें जो पाइपें होती हैं दोस्तों ना, ये मोटी मोटी पाइपें होती हैं, और इसमें एसी में हमारी चोकिंग की प्रॉब्लम बहुत ही कम आती है, मतलब 5-10% ही सिर्फ चोकिंग की प्रॉब्लम आती है। इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें गैस लीक हो जाती है, मतलब कहीं पाइप में लीकेज हो गया और गैस उड़ गई, जिससे ठंडा करना ये बंद कर दिया। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपको एयर से फ्लेक्सिंग 1% भी नहीं करनी है, एकदम नहीं करनी है, आपको फ्लेक्सिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप भी धीरे धीरे काम करने लगेंगे ना, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगा यार ये तो बात सही है कि फ्लेक्सिंग के कोई मतलब नहीं निकल रहा था, झूठ में टाइम निकल रहा था, और हम बिना फ्लेक्सिंग के अच्छी तरीके से वैक्यूम पंप से वैक्यूम करके गैस चढ़ा देते हैं तो परफेक्ट तरीके से ये काम करती है, और ये अच्छा रूल भी है। तो देखिए, मैं इसको इसलिए बार बार बता रहा हूँ फ्लेक्सिंग के बारे में ना, क्योंकि जो नए टेक्नीशियन है
उन्हें उनके माइंड में ये चीज़ बैठा दिया गया है कि फ्लेक्सिंग करना बहुत ज़रूरी है और वो चीज़ जल्दी निकल नहीं पाता उसके माइंड में। लेकिन मैं कहता हूँ कि हम लोग इस फील्ड में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और हमें ये पता हो चुका, पहले हम भी फ्लेक्सिंग मारा करते थे बट उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, टाइम वेस्ट होती थी, कोई मतलब नहीं निकलता था। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ ना, उस रूल पर चलिए। 100% मैं लिख के देता हूँ आपको कि आप एक परफेक्ट टेक्नीशियन बन जाएंगे और जल्दी टाइम में आपका एक परफेक्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा और एक परफेक्ट तरीके से आप काम करने लगेंगे, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको पूरे खुल के बता रहा हूँ। इसलिए इसको आपको सीखना है और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वहाँ पर हर एक चीज़ सही बता रहा हूँ, उसमें कोई ये नहीं बना के ऐसा करके या फिर कोई घुमा के ऐसा मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है आपको एक परफेक्ट टेक्नीशियन बनाना। इसलिए आपको अच्छी तरीके से नॉलेज दी जाएगी तभी आप परफेक्ट टेक्नीशियन बन पाएंगे, वरना आप परफेक्ट टेक्नीशियन नहीं बन पाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि आप किस तरीके से इसमें आप गैस चार्जिंग करेंगे। तो एक चीज़ तो ये हो गई, आप फ्लेक्सिंग एयर से कभी भी नहीं मारेंगे और इसे भी पाइप आपकी जल्दी चोक इसमें नहीं होती है। तो ये तो क्लियर हो गया ना, ठीक। तो फ्लेक्सिंग हमें इसको हमें कट करना है, हमें एक स्मार्ट तरीके से काम करना है, स्मार्ट तरीके से। तो स्मार्ट तरीका यही सब है, यहाँ आप देखिए तो आप कम टाइम में काम कर ले जाएंगे। तो फ्लेक्सिंग आपको नहीं करनी है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगला काम है कंप्रेसर का प्रेशर तथा पूरे सिस्टम का लीकेज चेक करना। इसमें दो क्वेश्चंस हैं, देखिए यहाँ पे ये कंप्रेसर का प्रेशर एक है, फिर है पूरे सिस्टम का लीकेज चेक करना। कंप्रेसर का प्रेशर मतलब ये होता है, जो इसमें कंप्रेसर प्रयोग किए जाते हैं ना तो उनके कुछ प्रेशर भी होते हैं, मतलब कंप्रेसर के प्रेशर भी होते हैं। वो प्रेशर क्या होता है कि वो खींचता है और फेंकता है, मतलब कि ये गैस को पूरे मैकेनिकल सिस्टम के पाइपों में घुमाने का काम करता है। लेकिन अगर कहीं इसका प्रेशर डाउन हो गया, प्रेशर कम हो गया, तो जितना ये खींच रहा था फेंक रहा था अब उतना नहीं खींच फेंक पाएगा, जिससे कूलिंग भी कम होगी। जाहिर सी बात है जितना प्रेशर से वो गैस घूमनी चाहिए उतने प्रेशर से जब गैस नहीं घूमेगी तो क्या होगा, कूलिंग पे इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो ये होता है कंप्रेसर का प्रेशर कि इसमें जितने तेज़ी से गैस घुमा रहा था उतने तेज़ी से ना घुमा के उससे कम तेज़ी से घुमाने की वजह से इसमें कूलिंग नहीं होगी और ये कूलिंग कम होगी और वहाँ पे कंप्रेसर का प्रेशर चेक किया जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि ये अगर डाउन रहेगा कंप्रेसर का प्रेशर अगर, तो फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए कंप्रेसर का प्रेशर भी चेक करना होता है। लेकिन कंप्रेसर का प्रेशर 95% डाउन नहीं होता, ये भी ध्यान रखिए। जो परसेंटेज बता रहा हूँ ना ये एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहा हूँ, ये नहीं कि उसे हवा हवा ही बता रहा हूँ, नहीं, आपको ये चीज़ लिखते भी जाना है, क्योंकि जो ज़्यादा फॉल्ट आता है उसको मैं बता रहा हूँ, जो कम आता है उसको ही बता रहा हूँ। तो आपका जो कंप्रेसर का प्रेशर होता है ये 95% एसी के कंप्रेसर का प्रेशर डाउन नहीं होता है, नहीं होता है। सिर्फ 5% ऐसा होता है कंप्रेसर के डाउन की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे अगर आपको कंप्रेसर के प्रेशर को चेक करना है तब कैसे चेक करेंगे उसको समझिए थोड़ा ध्यान से। वैसे भी आपको यहाँ पे कंप्रेसर का प्रेशर चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपने गैस चार्ज कर दिया उसके बाद कभी ऐसा हो गया कूलिंग वगैरह नहीं कर रहा है, तो गैस भी प्रॉपर है, सब चीज़ सही है, उसके बाद भी कूलिंग नहीं कर रहा है, तब जाके आपको कंप्रेसर का प्रेशर चेक करना है। और ये अगर आप 400-500 एसियां बनाएंगे उसमें से एक या दो एसी में ऐसा फॉल्ट कभी आएगा, तो जब ज़्यादा सारी चीज़ें सही है, गैस वगैरह सब चीज़ सही आप डाल रहे हैं उसके बाद भी कूलिंग कम आ रही है, तब जाके आपको कंप्रेसर का प्रेशर चेक करना है। तो कैसे चेक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए आपको अगर कंप्रेसर का प्रेशर चेक करना है ना तो आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको करना ये होगा कि जो आपका कंडेंसर का आउटपुट है या फिर मान लीजिए कि ये जो कंप्रेसर का इनपुट ही है, देखिए आप अगर कंडेंसर के आउटपुट पे लगाते हैं ना तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पाइप जोड़ने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये मोटी पाइप होती है और इसमें जब आप NRB मतलब चार्जिंग पिन लगाएंगे, ये वाली चार्जिंग पिन ऐसी जो होती है इसको जब लगाएंगे यहाँ पे तो वहाँ पे होल रह जाएगा, वेल्डिंग मारने में प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पर मैं आपको एकदम इंटरनली पॉइंट बताते हुए जाऊँगा किस तरीके से आपको वेल्डिंग मारनी है, कैसे क्या करना है, मतलब किस तरीके से पाइप उसमें डालना, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पे जोड़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं जोड़ पाते हैं। तो आपको जोड़ना कहाँ पे है, जुड़ जाएगा लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगी, उसको पिलास वगैरह दबाना पड़ेगा जो मुंह खुला रहेगा। तो यहाँ से नहीं आपको करना है, आपको करना है यहाँ से, कहाँ से करना है, जो कंडेंसर का आउटपुट लाइन रहेगा जहाँ पर फिल्टर रहेगा, यहाँ से इस फिल्टर को हटा देना है आपको। तो चलिए पहले फिल्टर को हटाते हैं और कंप्रेसर के प्रेशर को चेक करते हैं। जो फिल्टर का आउटपुट रहेगा वहाँ पे लगाएंगे एक आप चार्जिंग पिन, और इस चार्जिंग पिन जो लगाए रहेंगे इसी पे आपको पाइप कनेक्ट करना रहेगा।
तो चलिए यहाँ पे हम लोग चार्जिंग पिन लगा लेते हैं, इसके अंदर के पिन को निकाल लेंगे और चार्जिंग पिन लगा देंगे ताकि इस पर हम पाइप कसेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए ये आपकी ये चार्जिंग पाइप है और इस चार्जिंग पाइप को हम इसमें जोड़ेंगे। ये रबड़ की पाइप होती है, इसके दोनों तरफ दोनों इंड पे नट लगे होते हैं चूड़ीदार, उसको हम कसते हैं इसके चूड़ियों पे। तो यहाँ पे ये पाइप इस तरीके से कनेक्ट कर लेना, पहले ये ऑन रहेगा और फिर उसके बाद ये आपका जो ये पिन रहेगी ना चार्जिंग पिन, इसके अंदर से जो पिन लगी रहेगी इसको बाहर आपको निकाल देना है ताकि यहाँ से ये हवा को खींचेगा अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, ये भी हो गया। अब इस कंप्रेसर को करना है ऑन, क्या करेंगे कंप्रेसर को करेंगे चालू। जैसे ही कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे तो ये कंप्रेसर अपने सक्शन लाइन से या फिर कैंटरी के जरिए से और इस साइड से दोनों साइड से ये हवा को खींचेगा। ये हवा को जब ये खींचेगा और खींच करके ये आगे फेंकेगा, क्या करेगा हवा को पीछे से खींचेगा और ये कंडेंसर के जरिए से कहाँ जाएगी, चढ़ेगी हवा आपके प्रेशर गेज में। लेकिन अभी सुई ऊपर नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ से हवा जा रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है। तो अब यहाँ पर आपको करना है एक काम, ये जो हैंडल रहेगा ना इसको ऑफ कर देना है। हैंडल को जैसे ही बंद करेंगे तो ये जो आउटपुट वाली लाइन है ये बंद हो जाएगी और ये सीधा गैस चढ़ने लगेगी ऊपर की तरफ, मतलब गैस की तरफ। तो जब गैस की तरफ गैस ये चढ़ेगी, मतलब हवा जो है गैस के, मतलब कि हवा जो है गैस की तरफ चढ़ेगी ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे अब क्या होगा कि ये सुई ऊपर जाएगी। और मैं आपको बता दूँ कि अगर इस कंप्रेसर का प्रेशर यहाँ पे, मतलब कंडेंसर के आउटपुट पे गैस लगाने के बाद अगर 250 PSI तक भी चला जाता है प्रेशर, 250 PSI पे जैसे ही प्रेशर पहुंच जाएगा 250 या 300 PSI पे, तो वहीं पे आपको कंप्रेसर को बंद करना है। मान लीजिए ये जो इसकी सुई थी ये चली गई 250 PSI पे, यहाँ पे ये कंप्रेसर चलने की वजह से यहाँ से हवा जब भरेगा तो ये इस पर प्रेशर पड़ेगा तो ये सुई ऊपर बढ़ेगी। तो ऊपर जाते जाते अगर 250 PSI पे सुई पहुँच जाए या 300 पहुँच जाए तो वहाँ पे आपको इस कंप्रेसर को कर देना है ऑफ। और जैसे ही कंप्रेसर ऑफ होगा तो यहाँ पे अब आपको एक चीज़ देखना है ध्यान से, और वो जो चीज़ है वो क्या देखना है, ये देखना है कि ये इसकी जो सुई है ये एक पैक एकदम से नीचे आने लग रही है या फिर धीरे धीरे नीचे आ रही है। जो सुई 250 PSI या 300 PSI पे गई थी वो सुई कंप्रेसर बंद होने पे एकदम से नीचे चली जाती है या फिर धीरे धीरे नीचे आ रही है, ये देखना है। अगर ये सुई हमारे प्रेशर गेज की धीरे धीरे नीचे आती है तो इसका मतलब इस कंप्रेसर का प्रेशर 100% सही है, और अगर ये सुई बहुत तेज़ी से नीचे आने लगती है तो इसका मतलब कि हमारे कंप्रेसर का प्रेशर डाउन हो चुका है। अब ये कूलिंग पूरे फुल तरीके से नहीं कर पाएगी ऐसे जब तक हम इसके कंप्रेसर को चेंज नहीं करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आप कंप्रेसर के प्रेशर को किस तरीके से मापेंगे। तो आपको ये दोस्तों अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से कंप्रेसर एसी के कंप्रेसर के प्रेशर को नापा जाता है, लेकिन हमेशा नहीं, ये नहीं कि जब भी गैस चार्ज करें हमेशा आप कंप्रेसर के प्रेशर को ही नापें, नहीं, कंप्रेसर का प्रेशर जल्दी ख़राब नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए कि आपने गैस चार्ज किया, सारी चीज़ें सही है, उसकी सर्विसिंग भी ऐसी की हुई है, उसके बाद भी एवापोरेटर पे आइस आ रही है या कूलिंग कम हो रही है, तब आप लास्ट में ये नापेंगे कि इस कंप्रेसर का प्रेशर थोड़ा चेक कर लें कि कंप्रेसर का प्रेशर तो नहीं कहीं डाउन हो गया है, तब नापेंगे, हमेशा नहीं नापेंगे। तो ये चीज़ें क्लियर हो गया, कंप्रेसर का प्रेशर किस तरीके से चेक किया जाता है ये क्लियर हो गया। तो आपको हेडिंग डालना है, ऊपर हेडिंग डालना है कि कंप्रेसर के प्रेशर को चेक करना, और उसके नीचे ये फिगर बनाएंगे और अपने हिसाब से उसके नीचे अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ उसके बारे में लिख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कब ऑन रहेगा, कब ऑफ रहेगा, क्या रहेगा, तो उस तरीके से आप कुछ नीचे भी लिख सकते हैं। तो चलिए ये चीज़ एक चीज़ क्लियर हो गया, मतलब कंप्रेसर के प्रेशर को किस तरीके से चेक किया जाता है कि ये कंप्रेसर का प्रेशर सही है या फिर कंप्रेसर का प्रेशर ख़राब है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं आपको बता दूँ एक चीज़ कि यहाँ पर जो हमने यहाँ पर चार्जिंग पिन बताया और यहाँ पर जो हमने चार्जिंग पाइप बताया और ये जो प्रेशर गेज बताया, ये आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसलिए अब हम लोग गैस चार्जिंग के प्रोसेस को यहीं पे रोकते हैं और अब हम लोग कल से सीखेंगे टूल के बारे में, मतलब औजार के बारे में, जो हमारे एसी में औजार प्रयोग किया जाता है, जो हमारे फ्रिज में और एसी में औजार प्रयोग किया जाता है, उन औजारों के बारे में पहले सीखेंगे कि कौन कौन से औजार, कौन कौन से टूल प्रयोग किए जाते हैं हमारे एसी में। तो दोस्तों
तो दोस्तों इसीलिए हम लोग कल से सीखेंगे औजार के बारे में, टूल के बारे में, क्योंकि जब हमें टूल ही नहीं पता होगा तो हम कैसे काम करेंगे, कैसे टूल को ख़रीदेंगे, या किसी से जब मांगना रहेगा टूल को कि ये टूल लेके आओ, ये औजार लेके आओ, तो क्या उसका नाम रहेगा, जब हमें पता ही नहीं रहेगा तो हम कैसे अच्छी तरीके से रिपेयर कर पाएंगे, कैसे हम सामान को ख़रीद पाएंगे। तो इसलिए अब हम कल से हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन से टूल प्रयोग किए जाते हैं हमारे एसी में, और धीरे धीरे 2-3 दिन में हम उन टूलों को सीख लेंगे अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद हम लोग गैस के प्रोसेस पे आएंगे, फिर उसके बाद जहाँ तक हमने पढ़ा है फिर उसके बाद से आगे पढ़ना शुरू कर देंगे। फिर कुछ ही दिनों में आप लोग एक परफेक्ट टेक्नीशियन बन जाएंगे एसी के। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।